आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडिनियम में। आज की इस वीडियो में हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है क्रीपिंग चार्ली। और देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और ये हमेशा इसी तरह से ग्रीन बना रहता है। और ये एक पेरिनियल प्लांट है जो साल भर ही इस तरह से हरा भरा बना रहता है, और देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और ये हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट प्लांट है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करें इसके पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और गार्डनिंग में आपकी हेल्प करते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए अपन जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, क्रीपिंग चार्ली, ये हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट प्लांट है। और जिस पॉट में ये लगा हुआ है इसमें मैंने ये प्लांट सिर्फ 40 से 45 दिन पहले लगाया है, और देखिए आप पूरा पॉट इसने कवर कर लिया है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी, बहुत फास्ट होती है। और देखिए हैंगिंग पॉट में कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसे लगाना भी बहुत आसान है। इसकी एक ब्रांच से ही यह प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। इसके लिए जो हमने सॉइल मिक्स लिया है वो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स होना चाहिए। देखिए इसके अंदर मैंने 50% तो सॉइल ली है, 30% कंपोस्ट और 10% सैंड ली है। और यदि आपके पास राइस हस्क हो तो 10% आप राइस हस्क भी ले सकते हैं, या 10% कोकोपीट ले लीजिए। और देखिए आपको इसकी किसी तरह से कोई सी भी ब्रांच तोड़ के कहीं से भी इस तरह से आप लगा देंगे। एक पॉट में आप 4-5 ब्रांचेस लगा दीजिए तो देखिए 1 से 1.5 महीने में ही आपका पूरा पॉट इसकी ब्रांचों से कवर हो जाएगा। और इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, या मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए इसे, तो यह प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है और इसी तरह हरा भरा बना रहता है। यह बालकनी के लिए या पोर्च वगैरह के लिए बेस्ट हैंगिंग प्लांट है। इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती है, देखिए कितनी सुंदर लीव्स है इसकी, और ये बिल्कुल पुदीने जैसी लगती है। कई बार तो कई लोग इसे देख कर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि ये पुदीना है, और अब इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसे सिर्फ इसकी सॉइल मॉइस्ट रहना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और ज़्यादा पानी की वजह से इसकी लीव्स येलो होने लगती है। इसलिए हमें बस इतना ही इसमें वाटरिंग करनी है कि इसकी सॉइल मॉइस्ट बनी रहे। वैसे भी ये इंडोर प्लांट है तो इसमें पानी भी वैसे भी ज़्यादा नहीं लगता है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।